सतना कोटर, पहले शिक्षक की व्यवस्था करो, इसके बाद हम सड़क से उठेंगे। यह जिद आज सतना जिले के कोटर आदर्श ग्राम अबेर के तमाम विद्यार्थियों की थी। झमाझम बारिश में सड़क पर उतरे उन छात्र छात्राओं की थी जो कॉमर्स के शिक्षक की मांग कर रहे थे। आदर्श ग्राम अबेर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने शिक्षक की मांग को लेकर पिछले 3 साल से परेशान हैं। पिछले 30 साल से विद्यार्थी के लिए कॉमर्स विषय है, लेकिन शिक्षक की पूर्ति करने में शिवराज मामा और सतना सांसद गणेश सिंह नाकाम साबित हो रहे हैं। कोटर अबेर के बच्चे स्कूल में बस्ता बंद कर अबेर स्टैंड में सतना सेमरिया मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि कई घंटों तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे। जब माहौल बिगड़ने की स्थिति बनी तो एसडीएम के पांडे, सतना नगर पुलिस अधीक्षक वीडी पांडे, उप पुलिस अधीक्षक किरण किरो और कोटर थाना प्रभारी रघुवीर सिंह और आला अधिकारी ने बच्चों को समझाइश देने के बाद बच्चे शांत हुए। संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट कोटर से एमबी न्यूज कास्ट के लिए। डीओ से मैं फोन ऑन करके बात करके लोगों की पहले बात क्या हुई थी ताकि वो हमको बताते हैं, फिर उसी अनुरूप मैं इनसे बात कर सकूं। तो डीओ कम से कम सर पहले मेरा फोन उठा ले, फिर उसके बाद मैं सर आपसे भी एक बार बात कर लूँगा। हाँ तो प्लीज सर उसको बता दीजिए कि एक बार हमारे यहाँ और क्या भाई डीओ हमको बताया ना कि बात क्या हुई थी। कब नहीं कर सकता लगता तो उनके आते ही एक वहाँ से व्यवस्था कर दी। प्लीज सर मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने अभी सारी बात सर मेरे को भी सर पूरी प्रक्रिया मालूम है और डीओ सर जिला पंचायत ऑलरेडी अपर संचालक शिक्षा होते हैं, डीओ से ऊपर सर वो होते हैं शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग के लिए भी सर शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी डीओ से ऊपर सीओ जिला पंचायत होते हैं, तो वो 2 मिनट में अपने जो उनका जो आपने पहले कभी किसी को आवेदन वगैरह दिया है? हाँ, किसको? कलेक्टर। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अगली बार जब आपने प्रदर्शन किया था उस विषय पर क्या बोला गया था? अगली बार जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तो उस बार क्या बोला? एक हफ्ते का टाइम दिया गया था, एक हफ्ते का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करके फिर नहीं बताना, अभी तत्काल बताइए। कोटर में क्या मतलब पैदल आप आते रहो ना, आप पहले फोन करके आइडिया लगाओ। आप पहले कौन है शिक्षक? अरे यार हैं, कम होंगे जरूर होंगे, लेकिन बता तो कीजिए आप, आपका विभाग है। एकदम जायज थी, बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार के लिए ही बात कर रहे थे और शिक्षक की अनुपलब्धता के कारण इनकी शिक्षा बाधित हो रही थी। इसके पहले जिन स्थितियों में, क्योंकि मैं नया हूँ, तो इनसे कहा गया था कि शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, दुर्भाग्यवश जो भी कारण रहे हो अभी तक नहीं हो पाया है। आज की तारीख में इनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है और कालांतर में उस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। सर जैसा आश्वासन पिछली बार दिया गया तो वैसा तो नहीं हो जाएगा? आदेश मिल रहा है, हमें नहीं पता कि क्या आश्वासन दिया गया था, इसलिए विभिन्न व्यक्ति थे, विभिन्न मौका था, आज असर दूसरा है और व्यक्ति दूसरा है जी, इसलिए इसके बारे में टिप्पणी करना कोई उचित नहीं है। हमारे स्कूल में कॉमर्स की टीचर नहीं, पहली बात। दूसरी ना तो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल है, हमारे स्कूल बड़ा है, आप लोग क्या चाहते हैं? अनाथ है हम लोगों को, देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप लोग भी कुछ जानते हैं? हम लोगों के पेपर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं में हम लोग क्या करेंगे? घूस भी नहीं चलती कि हम लोग घूस दे के पास हो जाए। हमारे पापा जी किसान है, पैसा कहाँ पाए कोचिंग करने के लिए? आप लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ तो दे दीजिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कॉमर्स संकाय कब से चालू हुई? 2014। 2014।